तो ऑल राइट गेजर, आप देख सकते हो कि ये एक रॉकेट ऑर्गेजर। इस रॉकेट के साथ साथ हमारे पास है ये कुछ इस तरीके का एक अनार ऑर्गेजर। आज की इस वीडियो में गेजर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सिंपली इस अनार को इस रॉकेट के यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपका दे तो ओके गेजर हम सिंपली इससे फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं। तो राइट गेजर, आप देख सकते हो कि हमने इस रॉकेट के कुछ इस तरीके से इस अनार को चिपका दिया। और गेजर अब आइडिया हुए कि गेजर हम सिंपली इस रॉकेट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से खड़ा कर देंगे और फिर गेजर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस रॉकेट को आग लगाए तो ये रॉकेट इस अनार को भी इस रॉकेट के साथ हवा में उड़ा पाएगा या फिर नहीं, इसी चीज की हम ट्राई करने वाले। लेकिन गेजर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो ओके गाइस, अब लगाते हैं इस रॉकेट को आग। अब हम सिंपली इस रॉकेट को कुछ इस तरीके से माचिस की मदद से आग लगा देते हैं। गेजर आप देख सकते हो कि गेजर इस जो रॉकेट की गेजर ये कुछ इस तरीके की डंडी होती है गेजर, ये जल के पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। लेकिन गेजर इस रॉकेट के प्रयोग से इस अनार को इसके साथ में हवा में उड़ाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन गेजर सच में ये ट्रिक काफी कमाल की थी। लेकिन गेजर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो गेजर मिलते हैं ऐसी नई ट्रिक में नए दास का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।